हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम लेके आए हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 14.1 और इसका वीडियो का पार्ट नंबर सेवन इसके पहले के 6 में हमने क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए बच्चों यहाँ पे क्या राइट कर रखा है सपोज यू ड्राप अ डाई एट रेंडम ऑन दर रीजन ट इज द प्रोबलिटी दैट इट विले हम देखिए सबसे पहले आपको एरिया आप रिक्टल निकाल लेना है एल और बी वहां दिया हुआ है एरिया ऑफ रिक्टल ये हो जाएगा एल इंटू बी यानी थ्री इंटू टू इस तरह से सिक्स मीटर स्क्वायर इसका एरिया दे दे रहा है एरिया ऑफ सर्कल अगर देखेंगे एरिया ऑफ आप सर्कल आपको मालूम है कि डायमीटर वन दे रहा है क्योंकि डायमीटर वन मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन पॉइंट टू मीटर ओके तो एरिया ऑफ सर्कल अगर देखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर अगर फार्मूला लगा दीजिए तो पाई इंटू वन टू का स्क्वायर हो जाएगा यानी ये आंसर आ जाएगा पाई वन अपान फोर पाई अपान फोर मीटर स्क्वायर ठीक है बच्चों अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है चाहती है डाई विल लैंड इन साइड द सर्कल डाई विल लैंड इन साइड द सर्कल तो इस तरह से फार्मूला आपको मालूम ही है क्या चीज होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम तो फेवरेबल आउटकम तो यही सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई अपॉन फोर और टोटल हो जाएगा सिक्स तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पाई अपन ट्वेंटी फोर हो जाएगा ठीक है ना बच्चों यही आंसर हो जाएगा लेकिन बच्चों एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ट्वेंटी दे रहा है यहाँ पे स्टार बनाया और नीचे लिखा हुआ आप एक बुक में नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है क्योंकि तो बुक्स में दिया हुआ एक्सरसाइज में इसलिए सॉल्व कर लीजिए ठीक है ना आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लेके

क्वेश्चन का पार्ट वन तो टोटल नंबर ऑफ पेंस कितने हैं लिखिए टोटल नंबर ऑफ पेंस क्या है वन हंड्रेड फोर्टी फोर ओके टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेंस टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं ट्वेंटी आपको पता क्या करना है टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस कर दीजिए आ जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर पार्ट वन आ जाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन प्रोबेबिलिटी तो गेटिंग अ गुड पेन वही होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम अगर देखा जाए तो कितना है 124 और टोटल कितना आ गया वन हंड्रेड फोर्टी फोर कैंसिल करेंगे अगर बच्चों तो फोर थ्री जा ट वन जा फोर थ्री जा टटी वन अपॉइंट थर्टी सिक्स आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन थर्टी वन थर्टी सिक्स हो गया पार्ट टू में आएंगे नॉट बाय इट तो ये जो प्रोबेबिलिटी थर्टी वन थर्टी सिक्स है यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नूरी बाय ए पेन ये पहले पार्ट वन में प्रोबेबिलिटी तो ऑफ नूरी बाई या पेन सेम हो जाएगा ये भी थर्टी वन अच्छ थर्टी सिक्स ठीक है ना सेकेंड पार्ट पे आइए तो नूरी विल नॉट बाई ए पेन प्रोबेबिलिटी तो नूरी विल नॉट बाई अ पेन आपको जानते हैं कि पॉसिबल इवेंट और नॉट पॉसिबल इवेंट दोनों को ऐड करने पे वन आता है ठीक है ना तो आपको ये बाई अ पेन जो आया टोटल वन में से इसको माइनस कर दीजिए ठीक है ना नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट प्लस नंबर ऑफ नॉट पॉसिबल इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी वन होती है ठीक है तो अब पॉसिबल इवेंट यानी दूरी बाई अ पेन आ गया नूरी विल नाट भाई ये पेन लेना तो में से थर्टी वन अपॉन थर्टी सिक्स को माइनस करिए तरीका क्या है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा, ये पूरा होल थर्टी सिक्स हो 36 थर्टी सिक्स में से थर्टी वन माइनस करेंगे 5 और ये थर्टी सिक्स यानी ये आंसर आ गया फाइव अपॉन थर्टी सिक्स ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लग गया और देखिए बच्चों क्वेश्चन सारे बहुत आसान है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं एक ही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है तो आप लगातार वीडियो को वॉच रह, करते रहिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लेके तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रिफर्ड टू तो एक्जाम्पल थर्टीन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ये टेबल दे दिया है देखिए दो डाइस हैं जो एग्जाम्पल थर्टीन आप बुक में देखेंगे उसमें कुछ इस तरह का चार्ट बना रखा है तो फर्स्ट जो डाइस है उसमें भी वन से लेके सिक्स तक के नंबर आएंगे और सेकेंड डाइस से में भी वन से सिक्स तक के नंबर आएंगे तो इस तरह के जो पॉसिबिलिटीज है कि नंबर इस तरह से आ सकते हैं हो सकता है पहले में फर्स्ट आए तो इसमें से वन से सिक्स तक कुछ भी हो सकता है इससे टू आने पे वन से सिक्स तक कुछ भी हो सकता है तो ये टेबल जो हमने आपके बुक से बनाया है बुक में आपके दिया हुआ है वहां से देख लेंगे और इसी के बेस पे कह रहा है एग्जाम्पल थर्टीन का ही वो रिफरेंस है तो वहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो अब यहां पे देखिए गेट द अगर देखा जाए तो टू इसके अलावा कहीं ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है जहां पे दोनों डाइस के नंबरों को ऐड करने पे टू आए यानी यहां पे सिंगल कंडीशन है तो वन अपान थर्टी सिक्स हो गया नंबर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वाला आउटकम टोटल तो पास वाला आउटकम देखिए थर्टी सिक्स रहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी और थर्टी सिक्स तो टोटल नंबर आप पास वाला आउटकम थर्टी सिक्स यानी आपका डिनोमिनेटर वाला थर्टी सिक्स रहेगा और ये पास वाला आउटकम यहाँ पे वन दे रहा है और आपके बुक में इसको फिल भी कर रखा है इसने। इसी तरह से आप देखिए ट्वेल्व की बात कर लीजिए ट्वेल्व ये भी सिंगल कंडीशन इसमें भी है फेयरवल आउटकम वन है और टोटल पासवल आउटकम थर्टी सिक्स है तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके बुक में फिल कर रखे हैं आगे के और भी जो पार्ट है इसको फिल करना है अब देखिए थ्री थ्री के कितने कंडीशन है देखिए यहाँ पे थ्री हो रहा है और कहाँ पे थ्री हो सकता है ये दो कंडीशन है थ्री होने पे ये दो कंडीशन में थ्री हो रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टू अपॉन थर्टी सिक्स ठीक है ना टोटल आउटकम तो थर्टी सिक्स है ये टू अपान थर्टी सिक्स आप इसको कैंसिल करके वन अपान एटीन ले सकते हैं ठीक है इसके बाद आप देखिए कि फोर कितने कंडीशन में है देखिए यहां से ये ये कितने कंडीशन हो गए फोर होने के वन टू थ्री तो थ्री अपान थर्टी सिक्स ठीक है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम इसके बाद देखिए सम जो है फाइव कितने कंडीशन में है यहाँ पे देखिए यहां से लेके यहाँ तक ये फोर वन फाइव थ्री टू फाइव थ्रू टी फाइव फोर वन वन टू थ्री फोर तो ये कितना हो जाएगा फोर अपॉन थर्टी सिक्स ओके okay, बच्चों इसी तरह आगे आ जाइए सिक्स अब यहां से देखिए .6 .3 .3 .6 ये वाला. तो पे कितने हो One, two, three, four, five. कितने हो गए? जाएंगे? थर्टी सिक्स ठीक है ना इसी तरह आ जाइए सिक्स हो गया अब सेवन ये देखिए सेवन का हमने लाइन की यहां से ये कंडीशन है ये सारे नंबर जो आ रहे हैं इसमें ऐड करने पे कितना आएंगे सेवन सिक्स वन सेवन फाइव टू सेवन फोर थ्री सेवन थ्री फोर सेवन टू फाइव सेवन सिक्स वन सेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये कितना हो जाएगा सिक्स अपान थर्टी सिक्स अब एट एट को देखिए सिक्स टू एट फाइव थ्री एट फोर फोर एट थ्री फाइव एट टू सिक्स एट ये इतने कंटीक्शन हो गए ठीक है ना कितना है वन टू थ्री फोर फाइव अब हो जाएगा ये फाइव अपान थर्टी सिक्स राइट नाइन की बात करिए तो ये देखिए सिक्स थ्री नाइन फोर फाइव नाइन फोर फाइव फोर नाइन सिक्स थ्री नाइन ये इतने कंडीशन है वन टू थ्री फोर नाइन फोर अपान थर्टी सिक्स हो जाएगा ठीक है इसी तरह टेन की बात करिए तो सिक्स फोर टेन फाइव फाइव टेन फोर सिक्स टेन ये थ्री कंडीशन है तो ये हो थ्री अपान थर्टी सिक्स और इलेवन देखिए दो ही कंडीशन है और फाइव सिक्स ठीक है तो यहाँ पे टू अपान थर्टी सिक्स और ये ट्वेल्व का ऑलरेडी हमने देख ही लिया इस तरह से बच्चों देखे हमने इस टेबल को फिल कर लिया और इसमें क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट है ठीक है ना एक सेकेंड पार्ट भी दे रहा है सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि

या ट्वेल्थ तक ये हर कंडीशन में कहा ये वन अपान इलेवन तो आ नहीं रहा है तो अलग अलग आ रहा है देखिए टू से लेके ट्वेल्थ तक का उसने जो सेकंड पार्ट में दिया है कि सबका क्या आ रहा है वन अपान इलेवन तो ये कंडीशन सही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द सम आप देख पा रहे हैं टेबल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दम इलेवन विल नॉट बी वन अपॉन इलेवन आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ठीक ना ए सम्वली इक्वल लाइकली एम आर नॉट इक्वल लाइकली तो ये सेकेंड पार्ट हो गए

क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है इक्वली लाइकली नहीं है ये ओके तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर ये था आपका ट्वेंटी टू इसी के साथ वीडियो का पार्ट नंबर पे हम स्टॉप करेंगे और बाकी के क्वेश्चन को हम वीडियो का पार्ट एट लेके आते हैं ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा क्योंकि थ्री क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में सॉल्व कर देंगे तब तक बच्चों आप यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए जल्दी मिलते हैं बाय बाय